बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं राहुल हुड्डा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। संभल में पुलिस का एक दरोगा एंटी करप्शन की टीम के हाथों 25,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। आरोप है कि दहेज के मुकदमे में मुलजिमों को नाम निकालने और धाराएं हल्की करने के नाम पर दरोगा इससे पहले भी 25,000 की रिश्वत ले चुका था। हम आपको बताते चलें कि पूरा मामला जनपद संभल के नखासा थाना में तैनात दरोगा चरण सिंह को एंटी करप्शन की मुरादाबाद की टीम ने तब गिरफ्तार किया जब वो गांव सैदपुर जसकोली के कलवा से 25,000 की रिश्वत ले रहा था। कलवा की पुत्रवधु ने अपने ससुराल पक्ष के 8 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न आदि गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि दरोगा ने धाराएं हल्की करने और 6 नामजदों का नाम निकालने को 75,000 रुपए मांगे। 50,000 में बात तय हो गई, 25,000 दरोगा ने ले लिए, बाकी के 25,000 जब कलवा ने दरोगा को दिए तो एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। संभल में एक महीने के अंदर पुलिस महकमे में रिश्वतखोरी के दूसरे मामले में एंटी करप्शन टीम ने रिश्वतखोर को पकड़कर रिश्वतखोरी पर मोहर लगाई है। इससे पहले क्राइम ब्रांच का तत्कालीन प्रभारी इंस्पेक्टर सहदेव सिंह एंटी करप्शन टीम के हाथों 40,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। आइए जानते हैं इस मौके पर क्या कहना है अब्दुल रजाक, जो प्रभारी है एंटी करप्शन टीम मुरादाबाद के। इन्होंने भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुरादाबाद इकाई में प्रार्थना पत्र दिया था कि उसके परिवार और उसके लड़के और उसकी पत्नी आदि 8 लोगों के विरुद्ध ये उसकी पुत्रवधु श्रीमती हेमलता ने मुकदमा अपराध संख्या 607/2019 धारा 498A 376 307 504 323 IPC व दहेज अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत कराया है, जिसमें SI श्री चरण सिंह ये विवेचना कर रहे हैं। और SI श्री चरण सिंह गंभीर धाराओं को हटाने के लिए और 6 मुलजिमों का नाम निकालने के लिए 25,000 रुपये की रिश्वत ले चुके हैं और उसके अतिरिक्त 25,000 रुपये की और मांग कर रहे हैं। जैसा जिन्हें आज रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। 25,000 रुपये की रिश्वत SI श्री चरण सिंह द्वारा ली गई है और ये उसी में गिरफ्तार हुए। ठीक है सर। सर कहाँ से, कौन थाना क्षेत्र में तैनात थे दरोगा जी? थाना नखासा। क्या सर 25,000 की जो सर रिश्वत ले ली गई थी, 25,000 रुपये की रिश्वत और मांगी जा रही है? और मांगी जा रही है। हाँ हाँ, 25,000 रुपये पहले ली थी। मांग रहे थे प्रतिवादी पक्ष से। साथ ही ये भी जान लेते हैं कि क्या कहना है शिकायतकर्ता कलवा का। शुरू में तो 75,000 की हुई थी, फिर वो काम कर लिए। अच्छा, तो कितने रुपए लिए थे आपसे? 25,000 रुपए नगद ले लिए थे। और भी बात कर रहे थे, पैसे और भी मांग रहे थे, कितने और मांग रहे थे? 25,000 नाम। किस लिए मांग रहे थे पैसे? मतलब नाम काट दिए। कितना नाम काट? 5-6 नाम काट दिए। किस चीज़ के नाम काटे? अभी काटे नहीं। किस चीज़ का मुकदमा दर्ज कराया था आपने? किस मुकदमे में नाम निकलवा रहे थे? दहेज प्रथा का, और मैं ज़्यादा जानता ना, बहुत मुकदमे साथ मुकदमे। 25,000 रुपये ले लिए थे आपसे? हाँ। कब लिए? 25,000 और मांग रहे थे? हाँ। तो आप पे आरोप कब लगा था दहेज का? अभी 8 बार हो गए सर। 8 पैसे कहाँ लिए? थाने बुला के लिए थे या थाने के बाहर? बाहर दिए थे, थाने के बाहर। इन्होंने फ़ोन करके खुद बुलाया था? इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।